नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन, जिस वक्त हम आपको इस देश दुनिया से जुड़ी उन खबरों की हकीकत से रूबरू कराते हैं जिन खबरों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो लखनऊ वाली थप्पड़ गर्ल से शहादत अली को इंसाफ दिलाना हो, चाहे वो कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत पर हकीकत को दिखाना हो, चाहे फिर वो देश में लग रहे देश विरोधी नारों की हकीकत की तहकीकात करना हो, या फिर चाहे ऊंचे पद पर बैठे नेताओं के सामने आईना रखना हो, यहां सवाल थमते नहीं हैं। और अगर आम जनता के साथ गलत होगा तो हम बोलेंगे और सवाल पूछेंगे। तो आज सवाल है मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन से। ठीक इसी वक्त सोमवार रात भोपाल के एक अस्पताल में, जहां नवजात बच्चों के रखा जाता है, इसी वार्ड में भीषण आग लग गई। आग लगते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग रो रहे थे, अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रहे थे। मंजर ऐसा था कि जिसने देखा, जो चश्मदीद था, वो सहम गया। समझ नहीं आ रहा था उन बच्चों को कैसे बचाया जाए जिनकी ठीक से आंखें तक नहीं खुली हैं। खौफनाक तस्वीरों के बीच दुखद खबरें सामने आती रही। कोई पिता खुद ही दरवाजे तोड़कर अंदर जाकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई चिल्ला रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन ऐसी चीख चिल्लाहट के बीच भी एक सन्नाटा सा पसर गया जब कई बच्चे आग में झुलस गए। बेहद दुखद है, लेकिन गलती किसकी है? आखिर आग कैसे लगी और आग बुझाने के उपकरण काम क्यों नहीं कर रहे थे? अस्पताल का स्टाफ क्या झूठ बोल रहा है और राज्य सरकार की कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ने की तस्वीर आखिर क्या कहती है? आखिर क्या मुआवजे का मरहम काफी हो जाता है? क्यों, आखिर क्यों ये लापरवाही होती है? हर बार बस जगह बदल जाती है। आंकड़ा 7 का, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ 7 मौतों का सवाल है या इसके पीछे बहुत सारे राज छिपे हैं? आज कोशिश उन्हीं राज पर से पर्दा उठाने की, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीजों के परिजन कभी ना भूल सकते हैं। यहां कमला नेहरू बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी आग ने 7 बच्चों की जान ले ली। ये बिल्डिंग अस्पताल का ही एक हिस्सा है। जब हादसा हुआ तब लोगों के पास रोने बिलहने के अलावा कुछ नहीं था। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन देर रात तक राहत बचाव कार्य जारी रहा था। जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था। कई लोगों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने ACS को सौंपी जांच। घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना दुखद है। दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे। घटना पर मेरी लगातार नजर है, लेकिन जब तक इस घटना पर मुख्यमंत्री जी की नजरें रहती तब तक मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया है। 7 अक्टूबर को भी इसी अस्पताल में लगी थी आग। हमीदिया अस्पताल परिसर में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में दूसरे तल पर ठेकेदार के स्टोर रूम में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे में इस पर काबू पाया था। हमीदिया कैंपस के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने से मारे गए बच्चों के परिजन ने घटना के पीछे बड़ी साजिश होने का शक जताया है। उनका कहना है कि हादसे से 5 मिनट पहले ही वार्ड बॉय और नर्स में झगड़ा हुआ था,
दोनों ने एक दूसरे को धमकियां दी थी। मंगलवार सुबह मृत बच्चों का शव लेने पहुंचे परिजनों ने डीएनए जांच की मांग भी की। बिल्डिंग के सामने रात से जारी चीख पुकार सुबह सीसीटीवी में पहुंच चुकी है। परिजन ने यहाँ रात ठंड में ठिठुरते हुए बिताई। सुबह होते ही वो बच्चों से मिलने पहुँचे, लेकिन बिल्डिंग गेट पर पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। उन्हें अंदर जाने की मनाही थी। सुबह करीब 7:30 बजे परिजन और सुरक्षा कर्मियों के बीच रोकझोंक भी हो गई। हंगामा बढ़ने पर परिजनों को अंदर जाने दिया। सोमवार रात करीब 9 बजे कमला नेहरू अस्पताल में आग लग गई थी। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चाइल्ड वार्ड के SLCU में लगी, जहां 40 बच्चे भर्ती थे। माना तो ये जा रहा है कि बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली। फिर ये आग उस फॉर्मर तक पहुँच गयी जिसमे बच्चों को रखा गया था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरे वार्ड में धुआं भर गया। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत का आंकड़ा ज्यादा। परिजनों का आरोप है कि सरकार और अस्पताल मैनेजमेंट मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है। सिर्फ 4 बच्चों की मौत नहीं हुई है या ये आंकड़ा बढ़कर 7 पहुंचा है तो 7 भी बच्चों की मौत नहीं हुई है, ये आंकड़ा और ज्यादा है। तभी तो उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मृत हुए बच्चों को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है कि वो किसके हैं। सिर्फ मौखिक रूप से मौत की जानकारी दे दी गई। स्टाफ की लड़ाई के 5 मिनट बाद ही आग लगी। वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि उनकी बेटी को काफी मन्नत के बाद बेटा हुआ था। सोमवार को ही जन्म हुआ था। रात में वो बेटी और नाती के पास गयी थी। नर्स और वार्ड बॉय के बीच लड़ाई होने लगी। वार्ड से वो बाहर निकल गए। इसके 5 मिनट बाद ही आग लग गई। एक सिस्टर या ये कहें कि नर्स कह रही थी कि एक को भी हंसते हुए नहीं बल्कि रोते हुए जाने दूंगी, तो आगे इसके बड़ी साजिश हो सकती है। 7 नहीं कई बच्चों की मौत हुई। खानपुर के एक शख्स ने बताया कि पत्नी तरुणुम को 4 दिन पहले बेटा हुआ था। कल शाम तक बच्चा ठीक था, वो खाना लेकर घर चले गए। जब लौटे तो वार्ड में आग लगी थी। घंटों तक डॉक्टर कर्मचारी झूठ बोलते रहे कि उनका बेटा ठीक है, लेकिन रात करीब 2:30 बजे बच्चे की कमजोर होने की वजह से मौत होने की बात कहने लगे। बच्चा कमजोर नहीं था, परिजनों का यह कहना है आग लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि क्या सच्चाई है इस पर से पर्दा उठना बाकी है। पत्नी को कैसे बताऊं कि हमारा बच्चा नहीं रहा। भोपाल के जींसी इलाके के रहने वाले रईस बताते हैं कि 12 दिन पहले बेटा हुआ था, वो कमला अस्पताल में भर्ती था। रात में आग लगने से उसकी मौत होने की बात कही गई है। ये सरकार और अस्पताल वालों की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। इसकी जाँच होनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि पत्नी को कैसे बताऊं कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना दुखद होगा। आग लगने के बाद भीड़ को संभालने के लिए फोर्स तैनात। कमला नेहरू बिल्डिंग के बाहर सुबह से ही फोर्स तैनात रही। वो हंगामा कर रहे परिजनों को समझाते रहे। परिजनों को अंदर नहीं जाने देने पर हंगामा हो रहा था। इस दौरान जब उन्हें रोका तो महिला सिक्योरिटी गार्ड से भी बहस होनी शुरू हो गई। मीडिया को अंदर जाने की मनाही। बिल्डिंग में आग लगने के बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की मनाही कर दी। उन्हें बिल्डिंग से कुछ पहले ही रोका जा रहा था। इसका मतलब साफ है कि कुछ तो हो रहा था। भोपाल के हिमडिया कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसके बाद ब्लास्ट हो गया। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के कमला नेहरू अस्पताल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। फायर कर्मियों ने अस्पताल में लगे ऑटोमेटिक हाइड्रेंट को देखा तो वो खराब पड़ा था।
हर फ्लोर पर उपकरण तो थे लेकिन काम नहीं करते थे। इधर मंगलवार सुबह भी परिजन हंगामा करते रहे। उनका कहना है कि बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है और अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फायर ऑफिसर रामेश्वर नील के अनुसार हमीदिया अस्पताल ने फायर एनओसी ली थी, लेकिन कमला नेहरू अस्पताल ने 15 साल से एनओसी लेना भी जरूरी नहीं समझा और बिल्डिंग के निर्माण के समय लगे सिस्टम को चालू भी नहीं किया। और ये छोटा अस्पताल नहीं है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। अग्निकांड में 7 बच्चे जिंदा चल गए हैं। हालांकि अभी भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग 4 बच्चों की मौत का ही दावा कर रहे हैं। नवजातों को बचाते समय 3 नर्स और 1 वार्ड बॉय भी बेहोश हो गए थे। जिस वक्त आग लगी तब इस थर्ड फ्लोर पर 127 बच्चे अलग अलग वार्डों में भर्ती थे। हादसे के बाद 6 बच्चों को जेपी अस्पताल शिफ्ट कराया गया। रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन परिजनों के माता पिताओं के बहते आंसू कोई नहीं रोक सकता। बिल्डिंग शिफ्टिंग से पहले ये बड़ा हादसा। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था। अफरा तफरी के बीच नवजात बच्चों को संभालना डॉक्टरों के लिए भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन चिंतित परिजनों को समझाना भी बहुत मुश्किल था। पुलिस जवान और फायरकर्मी बेकाबू परिजनों को संभालने लगे। यहाँ परिजन जिस वार्ड में बच्चों को रखा था उसमें घुसने के लिए दरवाजे तोड़ने पर आमदा हो गए थे। घुटनों के बल अंदर गए फायरकर्मी। फायरकर्मी अदनान ने कहा कि सीढ़ियों से लेकर गलियारे तक में परिजन दौड़ रहे थे, चारों ओर धुआं था। घुटनों के बल चलते हुए वार्ड के अंदर गए, 3 बच्चों और 1 बेसुध नर्स को बाहर निकाल कर लाए। वार्डों में लपटे कम, धुआं ज्यादा था। सभी खिड़कियों के कांच तोड़े ताकि धुआं बाहर निकल सके। सीपीए के पास है मरम्मत का जिम्मा। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके बिजली के मेंटेनेंस का काम सीपीए के पास है। इस संस्था को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज होकर बंद करने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट से ये समझ आता है कि वाकई ये लापरवाही की इंतहा है, हद हो गई है। आखिर क्यों अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही रोज रोज होती है? कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी कहीं और। लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता है कुछ तो वो सिर्फ जांच की बात, और जांच की बात कहकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है, चाहे वो शासन हो या फिर प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चारों तरफ चीख पुकार और रोते बिलखती माताएं जिनकी गोद उजड़ गई। इस पूरे मामले में परिजन क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। इतने कमीनी लोग हैं, क्या करा डॉक्टर लोगों ने, कैसी सुविधा है यहाँ पे, कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन है, कौन को नेता बचा रहा? हमारे बच्चों को बचा कर ला कर दे, हमारे बच्चों को बचा कर ला कर दे। क्या अगर हमारे बच्चों को बचा कर ला कर दे, माइंड इनके नेता है। अचानक आग लग, कैसे पता लगा आपको? हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे, सब लोग भाग दौड़ मच गई, बच्चों को लेने घर से बच्चों को लेने नहीं भेज दिया। परिजनों को आपने रोते बिलखते देखा, अब जरा इस पूरे मामले में सत्ताधारी और विपक्ष क्या कह रहा है वो भी सुनना जरूरी है। हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और मैं, हम लोग अभी यहाँ पर आके सारा देखा है और रात में ही हमारे मंत्री जी पहुँच गए थे। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी, सभी बच्चों को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दिया था और उससे काफ़ी बड़ी घटना निकल गई। 4 बच्चों की भर जानकारी है, तो वो अब जांच में आएगा कि डेथ का कारण क्या है। पर हम लोग, इस घटना दुखद है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेशित की है और जांच के आधार पर भी आगे सुरक्षा के उपाय सरकार करेगी, परंतु
घटना दुखद है और आगे ना हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर अगर करनी चाहिए इस घटना में, ये 6 महीने में ये दूसरी दफ़े हुआ है, ये लापरवाही का संकेत है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास भी नहीं किया, तो ये इसकी जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। सर, और दी गई है इसकी जिम्मेदारी थी ये सब करने के। ये सब देखिए, ये छिपाने दबाने से कुछ नहीं होने वाला। आज जिन जिनकी मौत हुई है उन परिवारों का दुख हमें एहसास करना पड़ेगा। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी अस्पताल में आग लगी हो और आग बुझाने के उपकरण वहां पर ना हो। इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने अलग अलग राज्यों से आ चुकी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हर साल हर बार ये कह दिया जाता है कि कार्रवाई हो रही है, मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ मुआवजे का मरहम लगाना काफी है? आखिर 15 सालों से अस्पताल के पास एनओसी क्यों नहीं थी? क्यों 15 साल से यह अस्पताल बिना एनओसी के चल रहा था और किसी ने सवाल नहीं उठाया? अस्पताल प्रबंधन आखिर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और जो परिजन कह रहे हैं कि नर्स और वार्ड बॉय के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, उसके बाद नर्स ने कहा कि कोई यहां हंसता हुआ नहीं जाएगा, हर कोई रोएगा, इस स्टेटमेंट से क्या समझा जाए? आखिर यह साजिश है, यह वाकई हादसा है? इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवालों पर से पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। सोमवार रात 9 बजे आग ने खूब तांडव मचाया, कई बच्चे झुलस गए हैं जिनकी आंखें अब तक नहीं खुल पाई थी, कई माताओं की गोद उजड़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और शासन का दिल नहीं पसीजा है, जहां मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि अंदर कुछ ना कुछ तो था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही थी। ये साफ है कि अंदर जो उपकरण थी आग बुझाने के वो काम नहीं करते थे। ऐसे अस्पताल में बच्चों का इलाज हो रहा था, जो अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहां पर बच्चों के अस्पताल में, बच्चों के वार्ड में इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि बच्चे झुलस जाते हैं, परिजन बिलखते रहते हैं, अंदर जाने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं मिलने देता। सुबह होती है और चीख पुकार के बीच एक सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन उस सन्नाटे में भी इतनी आवाज थी जो कानों में गूंजती रही और आगे ना जाने कितने सालों तक गूंजती रहेगी। लेकिन शायद प्रशासन और शासन जो है वो अंधे, बहरे और गूंगे तीनों हो गए हैं, और इसी वजह से ना तो वो कुछ बोलते हैं, ना तो कुछ दिखाई देता है उन्हें, और ना ही वो किसी के रोने की, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनते हैं। तो ये सवाल है कि आखिर अस्पतालों में आग का तांडव यूं ही कब तक होता रहेगा? कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, आगे और कितने राज्य? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की बात केंद्र सरकार करती है, आपका ही शासन है, उसके बावजूद ये हालात और आप चुप्पी साधे बैठे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मौतें और भी हो सकती हैं। बहुत बड़े सवाल हैं सुरक्षा व्यवस्था पर, लेकिन कोई शायद इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर शासन प्रशासन जवाब नहीं देगा तो हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे, सवाल यूं ही होंगे और बढ़ते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।